मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन को सफल और प्रभावी रूप से अमल में लाने के लिए मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिप सिंह खुद सड़कों पर उतरी। बाजार में घूम रहे लोगों को घर भेजा गया। गैर जरूरी सेवाओं और गैर जरूरी दुकानों को बंद कराया गया। सभी लोगों को सड़कों पर घूमने से बचने और घरों में रहने की चेतावनी दी गई। राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। कई दुकानें खुली हुई थी जिन्हें बंद कराया गया। गैर जरूरी सेवाओं को तत्काल बंद कराया तथा कई वाहनों पर कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से घरों में बंद रहने की अपील की और कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए घरों में बंद रहना बेहद जरूरी है। पुलिस ने घूम घूम कर लोगों को चेतावनी दी और कहा कि यदि लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कोतवाली कासिम बाजार पूरब सराय वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र में पुलिस ने 5 घंटे तक सघन फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में सदर एएसपी हरिशंकर कुमार, कोतवाली इंस्पेक्टर संतोष सिंह, कासिम बाजार थानाध्यक्ष शैलेश कुमार, वासुदेवपुर ओपी अध्यक्ष स्वयं प्रभा, पूर्वसराय ओपी अध्यक्ष सुनील सिंह, टाइगर मोबाइल, क्विक मोबाइल शामिल थे।